मॉर्निंग गाइस. तो आज क्या है? आज है वेडनेसडे. यस, आज वेडनेसडे है. शावर वगैरह मैंने ले लिया है और बाल बहुत चिपचिप हो रहे थे यार. जब भी एरोबिक क्लास में जाती हूँ ना, वहाँ पे इतनी स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से ना बाल पूरे स्टिक हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कितना टन आपने ऑयल अपने बालों में लगा लिया हो. तो ऐसा तो मैं नहीं करती हूँ कि मैं डेली वॉश करूँ, हालांकि ज़रूरत ऐसी ही पड़ती है कि लगता है कि डेली आकर वॉश करूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दो दिन के अंतर पर या फिर वीक में दो बार वॉश करती हूँ. वही मेरी हैबिट है तो वैसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ. गर्मियों में भी कोई स्पेशल चेंज नहीं किया है. विंटर में भी सेम ऐसे ही करती थी, बस कभी कभी गर्मियों में वीक में तीन बार भी कर लेती हूँ. तो फिलहाल तो मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ अभी आज अपने फेस पर. बॉडी क्यूपिड का है ये, और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. ये जेल आपको दिख भी नहीं रहा होगा मेरी फिंगर्स में, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये जेल. बिल्कुल ऐसा जैसे कि एलोवेरा से आप जेल निकालते नहीं हो, जो नेचुरल एलोवेरा प्लांट्स होते हैं आपके घर में उनसे जब आप जेल बाहर निकालते हो सेम ऐसा ही होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसपेरेंट है. तो 100% प्योर है ये. तो मैं आजकल इसे लगाना शुरू करी हूँ. वैसे भी आपको पता है कि मैं अपना मॉर्निंग का हो या नाइट का स्किन केयर चेंज करती रहती हूँ. तो बस हल्के हाथों से इसको मसाज कर रही हूँ. और हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ. तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कौन से ड्रिंक की बात कर रही हूँ. लिख दिया ना आपने? हाँ, बिल्कुल सही सोचे हैं आप. मैं शेयर करने वाली हूँ मैंगो स्मूदी की रेसिपी, जो कि इतनी रिक्वेस्टेड है. मेरे दो से तीन दिन पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों से रैंडमली ऐसे ही पूछ लिया था और आप में से बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं आप लोगों के साथ मैंगो स्मूदी की रेसिपी शेयर करूँ. तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ. लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैप्ड हो रहे हैं मेरे लिप्स, तो मैं इस टाइम स्क्रब कर रही हूँ. लिप का स्क्रब मैंने घर में ही बना के रखा हुआ है और बहुत टाइम चल जाता है, 5-6 महीने तो आराम से चल जाता है. और इससे मैं लिप पे इस तरीके से स्क्रब करूंगी तो जितनी भी डेड स्किन होगी ना लिप्स की, वो सारी रिमूव हो जाएगी और लिप्स एकदम स्मूथ और पिंक हो जाते हैं अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो तो. बचपन में याद है मुझे कि घर में ना ग्रह शोभा वगैरह आती थी और उसमें ऐसे ऐसे नुस्खे आते थे कि अपने होठों को नेचुरली गुलाबों जैसा पिंक कैसे करें. तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से ही ना, मुझे DIYs मतलब ग्रह शोभा वगैरह में जो कॉलम आते थे उनको पढ़ना और फिर उनको अपने ऊपर ट्राई करना बहुत अच्छा लगता था. तो मैं बहुत टाइम से ये DIYs ट्राई कर रही हूँ, और जब मतलब नेट होता भी नहीं था, सिर्फ इस टाइप की मैगजीन्स ही होती थी, उसमें वो सेक्शन पढ़ना मेरा फेवरेट सेक्शन होता था और मैं वैसी ही चीज़ लेकर आती थी और बनाती थी और लगाती थी. एक बार मुझे याद है मैंने अपने लिप्स को पिंक करने के लिए केसर खरीदा था, केसर. और गर्मियों के दिन चल रहे थे और गर्मियों में तो पता ही है कि केसर गर्म होता है, और मैंने उसे दूध में भिगोकर अपने चेहरे पर भी लगाया और लिप्स पर भी लगाया. हाँ, मेरा चेहरा काफ़ी पिंक हो गया था, काफ़ी गोरी स्किन हो गई थी उन दिनों. तो मेरी स्किन होती भी बहुत ज़्यादा गोरी थी, मतलब अब तो मेरा रंग कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक तो आप कहो कि बदलते हुए वेदर के साथ शायद रंग चेंज हो गया है, और जो भी है पॉल्यूशन वगैरह जो भी है उसकी वजह से या सन टैन वगैरह जो भी है, लेकिन उस टाइम मेरा चेहरा बिल्कुल पिंक और एकदम वाइट हो गया था. दीदी मेरी बोल रही थी कि पिंकू तूने किया क्या है, तेरा चेहरा इतना पिंक और एकदम वाइट कैसे हो गया. लेकिन मुझे थोड़े ही दिन बाद छोटे 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 दाने आने शुरू हो गए थे क्योंकि गर्मियाँ चल रही थी और केसर गर्मियों में कमी ही लगाना चाहिए. तो अभी मैंने मसाज तो कर लिए, अब एक नैपकिन की हेल्प से इसको मैं वाइप आउट कर लूंगी. अगर आपको कोई लिक्विड लिपस्टिक लगानी है ना किसी फंक्शन या पार्टी में, उससे जाने से पहले आप ये लिप स्क्रब करके देन लिपस्टिक लगाइए, देखिएगा कितनी प्यारी फिनिश आती है. मैं तो जब भी कभी बाहर घूमने या कहीं जाती हूँ इस तरीके से स्पेशली, तब मैं स्क्रब जरूर करती हूँ लिप्स पर. और स्क्रब करने के बाद अपने लिप्स पर अपना कोई भी फेवरेट लिप बाम लगा लीजिए. अब पूरे दिन के लिए आप सेट हैं. सो दिस इज माय फेवरेट प्लेस. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फेवरेट है, लेकिन तब ज्यादा फेवरेट हो जाता है जब मौसम बहुत अच्छा होता है. तो आज मौसम फिर से अच्छा हो गया है,
धूप बिल्कुल नहीं है इस टाइम और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो लगता है कि बारिश होने वाली है। तो 2 से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैब पर ऐसे ही पूछ लिया था कि आप लोगों का सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है, तो जानना चाहेंगे 72% लोगों को विंटर पसंद है। सच में आप लोग मेरे ट्रू सब्सक्राइबर हो, जो रीमा को पसंद है वही रीमा के सब्सक्राइबर्स को पसंद है। मुझे भी विंटर बहुत पसंद है और आप लोगों को भी विंटर बहुत पसंद है। तो ये होता है दिल से दिल का कनेक्शन, मतलब 72% लोगों को यार विंटर पसंद है। बहुत कम लोग हैं जिनको समर पसंद है और मानसून पसंद है, दोनों का रेशो बराबर बराबर जा रहा था। तो और एक और सेकंड क्वेश्चन जो कि मैंने आज मॉर्निंग में ही आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, अगेन आप लोगों ने वही आंसर दिया है जो कि मेरा फेवरेट है। यानी कि आप अगेन इंडियन मॉम स्टूडियो के ट्रू सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को भी मैंगो पसंद है और मुझे भी मैंगो पसंद है। तो अभी तक तो इतने वोट नहीं आए, लेकिन अभी तक जितने भी आए ना उसमें सबसे ज्यादा मैंगो को वोट आया है। और मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो आप जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने इनको चूज नहीं किया है, वाटरमेलन या कुछ और चीज पसंद है, वो लोग भी मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं। आप निराश मत होना, कभी कभी चॉइस सेम नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप उतने ही मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो जितने बाकी लोग हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होता है आई थिंक, निराश नहीं होता, तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी कि डिसअपॉइंट। ओके चलिए छोड़िए। अच्छा मैं क्या कह रही थी, तो हो जाए, कौन कौन सब तैयार है मैंगो स्मूदी की रेसिपी देखने के लिए? ऐसा करो आप लोग भी ना मेरे साथ मैंगो निकाल के लेकर आओ, तब मजा आएगा ना, साथ में मिलके बनाते हैं मैंगो की स्मूदी। आप लोग जल्दी से जाओ फ्रीज से मैंगो लेकर आओ, तब तक मैं ये मैंगो ना पील आउट कर लेती हूँ। तो आप लोग आ गए मैंगो लेकर, तो पील आउट भी कर लीजिए मेरी तरह और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि स्मूदी में और शेक्स में क्या अंतर होता है। बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है ये, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जो स्मूदीज होती है उनमें यूज होता है कर्ड का, और जो शेक्स होते हैं उनमें यूज होता है मिल्क का। तो जो शेक्स हैं उनमें आप मिल्क यूज करते हो, स्मूदी में आप कर्ड यूज करते हो। लेकिन ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्मूदी के अंदर मिल्क नहीं यूज कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो स्मूदी के अंदर भी मिल्क डालना पसंद करते हैं, लेकिन दही जरूर डालते हैं। तो दही उसका मेन इंग्रेडिएंट है और दूध उसके साथ ऑप्शनल है अगर आपका मन है तो। जैसे मैंने यहाँ पर एक आधा कटोरी के करीब मैंने दही लिया है, तो आधा कटोरी ही मिल्क मैं डाल सकती हूँ अगर मुझे स्मूदी मिल्क डालकर पीनी है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है और आपकी चॉइस के ऊपर, लेकिन मैं विदाउट मिल्क बनाऊंगी क्योंकि मैं इसे हेल्दी ऑप्शन में रखना चाहती हूँ। और हेल्दी ऑप्शन में जब भी किसी फ्रूट को आप मिल्क के साथ ऐड करते हो तो वो वेट लॉस के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो दही के साथ जब आप फ्रूट यूज़ करते हो तो वो वेट नहीं बढ़ाता, लेकिन मिल्क के साथ अगर आप फ्रूट यूज़ कर रहे हो तो वो वेट तुरंत बढ़ाता है, चाहे फिर वो बनाना हो चाहे फिर वो मैंगो हो। तो मैं अभी मैंने ये एक मैंगो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और मैं थोड़ा सा स्लाइसेस बनाना के भी ले रही हूँ। अगेन मैं बनाना को मिल्क के साथ ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप मिल्क के साथ बनाना को ऐड करते हैं तो वो फैट जल्दी बढ़ाएगा, लेकिन अगर आपको दही के साथ यूज कर रहे हो तो वो फैट इतनी जल्दी नहीं बढ़ाता। वैसे भी हमारे इंस्ट्रक्टर बोलती हैं कि मॉर्निंग में आपको खाली पेट नहीं आना चाहिए, एरोबिक या कोई भी जिम या कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो वहां जाने से पहले एक बनाना जरूर खा कर आओ घर से, जिससे कि अच्छे से वर्कआउट कर पाओ और पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। लेकिन ये मेरी हैबिट नहीं है क्योंकि मैंने कभी करा नहीं। मैं सुबह तो आपको पता है कि लूक वार्म वाटर में लेमन डालकर ही पीकर जाती हूँ, तो वो मेरी हैबिट में नहीं है। लेकिन आने के बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं बनाना ले सकती हूँ, लेकिन विदाउट मिल्क। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़े से पीसेस लिए हैं बनाना के, ज़्यादा बनाना मैंने नहीं लिया है क्योंकि बनाना मेरा फेवरेट फ्रूट नहीं है। और अगर आपके पास बनाना नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, टोटली स्किप कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर मैंने 5 to 6 बनाना ले लिए हैं पीसेस, बनाना नहीं लिए, और ये मैंगो के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो जो भी फ्रूट मैंने अभी डाले हैं वो अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। तो मैं इसमें अभी कोई पानी या दही नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, उसके साथ अच्छे से मैश हो जाएंगे और ठंडा ठंडा भी बन जाएगा। तो मैंने हाफ ट्रे यूज कर लिया, तो अब इसे मिक्सी में चला लेना है।
तो ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मैश हो गया है दोनों चीजें। अब क्या करना है, इसमें कर्ड डालना है। आधा कटोरी मैं कर्ड डाल रही हूँ उसके अंदर। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ एक स्पून के करीब हनी, और ये भी कंपलसरी नहीं है, आप इसकी जगह पर शुगर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ये हेल्दी स्मूदी बनानी है इसलिए मैं हनी यूज कर रही हूँ, आप इसकी प्लेस पर शुगर डाल सकते हो। तो अभी एक और बार मिक्सी में चलाएंगे और हमारी स्मूदी बनकर रेडी हो जाएगी। और अगर आपको गाढ़ी स्मूदी पीना पसंद नहीं है और आपको लगे कि उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको लिक्विडी कर सकते हैं, लेकिन मैं गाढ़ी ही पीऊँगी। और ये मेरी स्मूदी तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर मैं गार्निशिंग के लिए डालने वाली हूँ 2 से 3 बादाम, और काजू भी डाल सकते हो, ये आपकी च्वाइस के ऊपर है, और मैं सिर्फ बादाम ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरी स्मूदी जो है रेडी हो चुकी है। तो स्मूदी तो बनकर रेडी हो गई है। एक चीज़ का ख्याल रखें, स्मूदी बनाते समय जो इसमें कर्ड यूज़ करें ना, वो फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा कर्ड होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर खट्टा होगा तो आपके स्मूदी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश कर्ड हो। और आज तो एक और अच्छी बात है कि ये ड्रिंक मैं खाली नहीं पी रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पी रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ये ड्रिंक बनाई है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये मैंगो स्मूदी कैसी लगी। सच बोलूं तो मैंगो शेक से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल वैसा ही टच है जैसे कि मैंगो शेक में आता है, बस मिल्क की जगह कर्ड यूज़ किया है। तो पीछे देख रहे हैं लैपटॉप चल रहा है ना मेरा, तो आज जो वीडियो जाएगी वो कंपाइल हो रही है, थोड़ा लेट हो गई है आज की वीडियो। एक तो मैंने नाइट की शूटिंग करी थी, इस वजह से नाइट की शूटिंग करती हूँ ना तो अगले दिन एडिट करती हूँ, क्योंकि फिर पूरी रात तो बैठ के मैं एडिट नहीं करती, फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एडिट करती हूँ, उसकी वजह से थोड़ी लेट हो जाती है। और दूसरा, मैंने उसमें एक अच्छा सा गाना लगाया था और उस पर कॉपीराइट इशू आ गया, जिसकी वजह से वीडियो बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड हो गई थी, और उस पर कॉपीराइट इशू आने की वजह से मैंने दोबारा बैक करा और दोबारा कंपाइल किया है, और दोबारा अब यूट्यूब पे डालूंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा और लेट हो रही है, वरना 1 बजे पहुँच जाती। तो आज सुबह मैं एज़ यूज़ुअल, जैसे कि मैं रोज़ सुबह अपनी मेल चेक करती हूँ, आज भी सुबह मैं अपनी मेल चेक कर रही थी, और मैंने एक बड़ी सरप्राइजिंग मेल देखी आज, जो कि वुमेंस वेब इन से थी, और उन लोगों ने मेरे चैनल को और मुझे फीचर किया है अपने वेबसाइट पर। और ये कोई पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर थी, जिसमें लिखा है कि 6 इंडियन मॉम यूट्यूबर्स यू मस्ट फॉलो फॉर पेरेंटिंग टिप्स एंड सो मच मोर। तो इस टाइप का एक आर्टिकल आया, जिसमें मेरा फोटो भी आया और मेरे बारे में भी लिखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप लोग भी जाकर चेक कर लेना। उन्होंने मुझे अपने वेबसाइट पर फीचर किया है, और भी यूट्यूबर्स हैं, और जी हाँ, तो मैं आप यस तो यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे हो, तो इसका लिंक मैं डायरेक्ट लिंक नीचे छोड़ दूंगी, आप चेक कर लेना, काफ़ी अच्छा लिखा है, फीलिंग हैप्पी। और ये स्मूदी इतनी हैवी होती है ना कि अगर आपने इसको पी लिया तो आपको कोई भी ब्रेकफास्ट खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेट ऊपर तक भर जाएगा, आपको लंच तक तो भूख लगने ही नहीं वाली। ओके, तो अभी मैं अपनी फेवरेट दाल बना रही हूँ, जो कि समर में काफ़ी अच्छी लगती है, समर स्पेशल दाल है वो, और पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक समर स्पेशल मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें ये लंच में मैंने ये दाल बनाई थी। तो अभी उसमें तड़का लगा रही हूँ दाल के अंदर, मसूर की दाल में लगा रही हूँ, उस दिन मैंने बनाई थी अरहर की दाल, तो आप मसूर की दाल में भी सेम तड़का लगा सकते हो, और मैंने इसकी तैयारी कर ली है मसूर की दाल में, बल्कि मुझे लगा कि अरहर की दाल से ज़्यादा बेस्ट लगता है ये वाला तड़का, तो इसके लिए मैंने क्या प्रिपरेशन करी है वो दिखाती हूँ आपको। एक प्याज चॉप कर लिया है, 2-3 ग्रीन चिली ले ली हैं, और 2 आमी को मैंने स्लाइस कर लिया है, ये वाली आमी थोड़ी पकी हुई निकली है लेकिन ये वाली कच्ची है। here,
sunshine. Just some time off, we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I don't. I do not wanna give you more of my life. I do not wanna give you more of my life. You're just gonna waste it now. Not sure if I'll make it out. कर रही हूँ कशिश के चैनल की एडिटिंग, यानी कि TIO TV ट्राई इट ऑन की एडिटिंग चल रही है अभी। और आपको पता है कि आज वेडनेसडे, कल है थर्सडे, तो एवरी थर्सडे कशिश की वीडियो जाती है ट्राई इट ऑन पर, और कल एज यूजुअल जाएगी। तो आज मैं उसकी एडिटिंग ख़त्म कर रही थी। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, सच में बहुत अच्छी बनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ी डिफरेंट है कशिश से, आपने इस चीज़ की उम्मीद नहीं करी होगी। अच्छी बनाई है, लेकिन चश्मा लगा रखा है एक्चुअली, क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप बिना चश्मे के स्क्रीन टाइम करते हो तो आंखें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। इसीलिए मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चश्मा लगाकर ही एडिटिंग करती हूँ। तो कल ठीक 11 बजे ट्राई इट ऑन पर आने वाली है कशिश की एक और नई वीडियो, तो जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत एफर्ट डाली है, छोटी बच्ची है और एफर्ट्स अच्छे डाल रही है और शौक शौक में कर रही है, आपको भी मज़ा ही आने वाला है। तो मैं आप आपको दिखाने वाली हूँ। Movies make it look so easy. 15 minutes in your prison. Movies make it look so easy. Whoa. Yeah, I thought we'd always shine.